सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और शाम हो गई है, आज ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी तो पूरे दिन से कहीं निकले नहीं, तो अब निकलते हैं, चलिए कहीं ब्लॉग बनाते हैं। तो दो लोग आ चुके हैं, क्योंकि अगर अकेले जाते तो गाड़ी कैसे चलाते या फ़ोन पकड़ते, तो इसलिए दो लोगों को बुला लिया। ये तौहीद और अमान भाई आ गए हैं, तो चलते हैं ब्लॉग बनाने। तो गाइज, घर जब हमारा पेंट हुआ था तो हमने इतना सारा कूड़ा निकला था, तो एक बदतमीज़ को हम लोगों ने पैसा दिया था 400 रुपया वो कूड़ा साफ करने के लिए, तो वो रोज गोली देता है, आज तक कूड़ा नहीं साफ किया। घर के सामने हमारे कूड़ा जमा हुआ है, 400 रुपये ले जा चुका है। तो अगर कोई आप किसी को जानते हैं जो कूड़ा साफ कर दे हमारे घर का, तो संपर्क करें रैयान भाई को, कमेंट करें इसके बारे में। तो भाई लोग, हम लोग निकल आए हैं वहाँ से, अब आगे हम लोग जा रहे हैं। कहाँ की तरफ जा रहे हैं? आज हम लोगों का प्लान बना था कि हमारे तौहीद भाई के गाँव में एक जगह है 10 पुलिया नाम का, खैर 10 पुल नहीं है वो, 2 ही 3 पुल है, लेकिन सब लोग उसको 10 पुलिया कहते हैं। नहीं नहीं, 10 पुल है उसमें, नहीं, 10 पुल जुड़े हुए हैं। 10 पुल नहीं है, तो चलिए देखते हैं। सुना गया है कुछ लोग कहते हैं वहाँ 10 पुल है, कुछ लोग अमान भाई कह रहे हैं 2 ही पुल है, चलिए देखते हैं। ये वो स्कूल है जहाँ से हमने 12th पास आउट किया है, इंटरमीडिएट मेरा यहीं से हुआ है। कोविड सीन था तो फॉर्म भरा हुआ था प्राइवेट, और उस पर रिजल्ट पे मिला है रेगुलर। एक घर दिखा है, उतरो उतरो उतरो, रहस्यमयी घर लगा। ये सब चीज यहाँ रहस्यमयी ही है, रहस्यमयी नहीं है, ये विशेष घर है, विशेष घर है। ये घर देखिए आप लोग, इसमें क्या है, ये ना कमरा है ना कुछ है, अभी इसमें क्या है पड़ी है गाइस, और आगे कब्जा ज्यादा है सब गाइस। घर 1 BHK का वो सब तो ठीक है, कि छत कहाँ है गाइस? ये 1 BHK का फ्लैट है, फ्लैट सॉरी, ये 1 BHK का हाउस है, विलेज हाउस, एक फार्म हाउस की तरह इसको बनाया गया है। इसमें सिर्फ दरवाजा लगाकर बाउंड्री कर दी गई है, यही है छत। पड़ने का काम इसका पेंडिंग में है, जब बुर्जल दुबई का वो टावर बन जाएगा तब उसके बाद, जब दुबई का नाम हिंद सिटी हो जाएगा तब इसमें छत पड़ेगी। सारे मैकेनिक जो इंजीनियर्स थे वो वहां चले गए हैं, ये डायर इनका झोपड़ा है, हुमायूं का डायर इनका झोपड़ा। ये देखिए गाइस, ये आया था तूफान गाइस, ये तो कुछ हो गया इसके साथ, क्या हो गया, कुछ हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। कल बहुत भीषण आंधी आई थी, तो हमको लग रहा है कि उस वजह से किसी का घर, किसी गरीब का घर उजड़ गया है, तबाह बर्बाद हो गया है। घर है कि यहाँ कोई रहता नहीं था, हम आपने तो गरीब सुरक्षित हैं गाइस, किसी गरीब का घर उजड़ गया है, बहुत नुकसान हो गया है लग रहा है, तो हम अपने उसमें क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में पेटीएम नंबर दे देंगे, डोनेट करिए, और गरीब का घर हम लोग फिर से बनवाएंगे हमारे गांव में। आप अगर वैसे आके भी यहाँ मदद करना चाहते हैं तो नंबर दे देंगे, एड्रेस भी दे देंगे, पर आप क्योंगे वो और दे देंगे। कमेंट करिए, बताइए और अपना नाम बताइए, हम लोग आएंगे आपसे पैसा ले सकते हैं, वहाँ भी आके सारी सुविधा। गाइस, अब हम लोग यहाँ से चल चुके हैं, घर आपको दिखाया हमने, और अब हम लोग डायरेक्ट जाके 10 पुल है पे रुकेंगे, उससे पहले हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे। रास्ता काफी खराब हो गया है यहाँ का, लग रहा है प्रधान से बात करनी पड़ेगी, रास्ता बनवाना पड़ेगा। गांव के लोग बड़ी मुश्किलों से दो चार रहते हैं, फिर भी इन लोगों की जिंदगी जो रहती है वो बहुत सुख और शांति से निकलती है, और बहुत खुशहाल लोग रहते हैं, ऐसे बता रहे हैं हम आपको। लग रहा है हमने स्टैंड नहीं उठाया था, देखा आपने कि कैसे भैंसे गई काली काली, मतलब ट्रैफिक अलर्ट, ये रेड लाइट में आ गए इन लोग, सारी हम लोग रॉन्ग वे पे आ गए थे गाइस, बहुत सारी 4-व्हीलर आ गई निकले गाइस। देखिए हमने क्या ढूंढ निकाला है, यहाँ पे व्हाइट सरसों निकली हुई है, उस दिन येलो सरसों दिखाई थी, आज व्हाइट सरसों। तो गाइस, आप शहर वालों ने कभी व्हाइट सरसों नहीं देखी हो, सॉरी, अगर देखना है व्हाइट सरसों तो खुरासा इधरगर नाम का एक गांव है, वहां पे 10 पुलहा की रोड पे पथरी नदी के पीछे व्हाइट सरसों की खेती होती है यहाँ पे। और तो जा रहे हैं हम लोग, ने आज निकलने में भी शाम कर दी, और प्लान 10 पुलिया एक जगह है वहां का बना, और रास्ते में भी कंफ्यूजन, और शाम हो रही है, अभी पहुंचे भी नहीं है, सुना है दूर भी बहुत है, तो देखिए लौटते लौटते शायद रात हो जाए।
खतरों के खिलाड़ी का सीजन 13 आ रहा है, आप देख लीजिएगा इस पे। आप लोगों के लिए हम लोग खतरा 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 खेल रहे हैं। तो हम लोग ने इसको 10 पुल के नाम से सुना था, और जब हम लोग आए थे बहुत पहले तो ये 10 पुल था, इसमें पाइप पाइप पड़े थे, और ये अब उधर दिखाइए आप, वो पूरा मॉडिफाई करके उसको एक पुल बना दिया गया है। और आइए दिखाएं कौन से पाइप पहले पड़े हुए थे। गाइस बड़ी खतरनाक जगह है ये, जल्दी आप देखिए। हम लोग आए हैं, अरे भैया काफ़ी टिपिकल जगह है, अगर हम लोगों का पैर फिसला तो सीधे नदी में चले जाएंगे। और ये नदी घाघरा घाट से मिलके अयोध्या घाट से मिलती है, तो काफ़ी ये जिस पुल पे खतरनाक नदी है ये। ये वाले जो पाइप हैं, ये पहले 10 पाइप इस पुल में लगे हुए थे, और इसीलिए ये 10 पुलिया के नाम से था। और अब इसको पूरा मॉडिफाई कर दिया गया है, बीच में गैप कर दिया गया है, तो अब ये 10 पुलिया जैसा कुछ रह नहीं गया है, तो हम लोग का थोड़ा चूतिया भी कट गया। और ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? वो हम खुद ही नहीं जानते हैं कि वो क्या है। ये पानी कैसे बह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कि मतलब देखिए आप इस साइड पे देखेंगे तो पानी रुका हुआ है, और इस साइड पे देखिए पानी का बहाव कितना तेज हो गया है। तो ये भी एक कुछ साइंटिफिक, तो ये भी कुछ साइंस हो सकता है, इसमें कोई विज्ञान हमारे भारत के इंजीनियर और मैकेनिक ने लगाया होगा, कि गांव की छोटी मोटी चीज़ों को लोग नोटिस नहीं करते हैं गाइस। और लेकिन ये करनी चाहिए, आप अगर ट्रिप पे जाते हैं तो बुर्ज खलीफा दुबई देखने जाते हैं, लेकिन आप लोगों को गांव में भी आना चाहिए एक बार दो बार। तो मगरिब की अजान होने लगी, मीन्स रात शाम हो गई और सूरज भी ढल गया है, तो हम लोग आए भी काफ़ी दूर थे, तो हम लोग को वापस घर की तरफ चलना पड़ेगा। तो ये लोग चुपके चुपके चॉकलेट खा रहे हैं चुपके। तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि आए बहुत दूर हैं और जाने में अभी अंधेरा हो जाएगा। तो लौटना काफी तेज पड़ रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, और लौट रहे हम लोग घर की तरफ, घर भी दूर है काफी, और जिस रास्ते से हम लोग आए थे गाँव वाले रास्ते, फॉलो करिए हमारी पावरफुल गाड़ी, और जिस रास्ते से हम लोग आए थे गांव वाले रास्ते से, उससे नहीं लौटेंगे, डायरेक्ट हाईवे पे निकलेंगे, फिर हाईवे से चलेंगे, टाइम अब कम है, बड़ा देर हो रहा है। गाइस यहां पे कच्ची दारू मिलती है, कच्ची दारू की दुकान, कच्ची दारू का ठेका हमने देखा, और कहां से गाइस एक नई इमारत बनी है हमारे गांव में। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा आई लव गोंडा, आई लव दिल्ली वगैरह, हमारी पिछली वीडियो में ही हमारे अहमद भाई ने दिखाया था सेल्फी पॉइंट। तो ये खुरासा का, मतलब खुरासा में ये बना हुआ है, यहाँ पर खुरासा नहीं लिखा हुआ है, आई लव करबला लिखा हुआ है, और हर जगह गवर्नमेंट बनवाती है, पर यहाँ पर हमारे नियाजी भाइयों ने बनवाया है, और ये मतलब एक करबला से मोहब्बत है उन लोगों की, जो उन लोगों ने ये बनवाया है। खुरासा भी लिखवा सकते थे, बनवा सकते थे, पर करबला से मोहब्बत, तो आई लव करबला, खुरासा में आई लव करबला बना हुआ है।